भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और भाजपा के महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पथराव कर दिया। इस घटना पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं पर फेंके गए पत्थर टीएमसी के ताबूत में अंतिम कील साबित होंगे। उन्होंने कहा यह ममता बनर्जी की कायराना हरकत है। जेपी नड्डा की यात्रा से पहले डायमंड हार्बर में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा के कार्यक्रम स्थल से पार्टी के बैनरों को फाड़ दिया गया। जेपी नड्डा ने कहा पश्चिम बंगाल में जंगल राज चल रहा है, अराजकता का माहौल बना हुआ है। उन्होंने कहा ममता का ये गुंडा राज बहुत दिनों तक नहीं चलने वाला है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने हमले की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि इस हमले से भाजपा कार्यकर्ता डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा ये ममता बनर्जी के जो माफिया हैं उनसे कोई डरने वाला नहीं है, ममता की सरकार अब रहने वाली ही नहीं है। इस हमले ने भाजपा कार्यकर्ताओं के जमीर को ललकारा है। आज मैं यहां आया हूं, जो आने में मुझे दृश्य देखने को मिला वो इस बात को बताता है कि ममता जी के राज में बंगाल अराजकता का पर्यायवाची बन चुका है, असहिष्णुता का पर्यायवाची बन चुका है। इट हैज बिकम अ स्टेट ऑफ लॉलेसनेस एंड अ स्टेट ऑफ इनटॉलरेंस। आज मैं यहां पहुंचा हूं तो मां दुर्गा की कृपा से पहुंचा हूं। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने और उनके गुंडों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी प्रजातंत्र के गले को दबाने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए। लेकिन मैं भी आपको बताना चाहता हूं कि ये गुंडा राज, ये अराजकतावाद ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। ममता जी आपकी सरकार जाने वाली है और कमल खिलने वाला है, इस बात को हमको समझना चाहिए। जब मैं जंगल राज कहता हूं तो मैं ऐसे ही नहीं कहता हूं। आप देखिए हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी, आप देखिए हमारे राहुल सिन्हा, आप इनकी गाड़ियों को देखिए। मैं तो आज इसलिए सुरक्षित हूं क्योंकि मेरे पास बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, अन्यथा किसी कोई गाड़ी नहीं छूटी जिस पर अटैक नहीं हुआ है। ये गुंडा राज जो हमने देखने को मिला है इसको नष्ट नाबूद करना है और प्रजातंत्र को से यहां पर खिलाना है, इस बात को हमको समझना चाहिए। ये जो मेंटेलिटी है, ये जो विचार है कि विपक्ष को कुचल देना है, मैं इस विचार को कुचलने के लिए प्रजातंत्र के आह्वान करना चाहता हूं और प्रजातंत्र को आगे बढ़ाना चाहता हूं। मित्रों, आपका आशीर्वाद चाहिए। बंगाल जो संस्कृति के लिए जाना जाता है, बंगाल जो सभ्य भाषा के लिए जाना जाता है, बंगाल जो सभ्यता के लिए जाना जाता है, लेकिन ममता जी ने जिस तरीके का कृत्य किया है और जिस तरीके से वो सरकार चला रही है, बंगाल जो देश को दृष्टि देने वाला था, आज बंगाल को नीचे लाने का काम पकड़ा है ममता जी ने। इसको हमको फिर से ऊपर उठाना है और सोनार बंगाल बनाना है, इसको हमको समझना चाहिए। ये निंदनीय कृत्य है और ये बौखलाहट और घबराहट है तृणमूल की। ये ममता दीदी के जो माफिया हैं, जो प्रायोजित रूप से इस तरह की भाजपा के कार्यकर्ताओं को डरपाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे भाजपा कार्यकर्ता डरेगा नहीं, ना भाजपा का कार्यकर्ता झुकेगा। मैं स्वयं अभी पश्चिम बंगाल में ही हूँ 3 दिन से, और मैं देख रहा हूँ कि किस तरह से उनका माफिया डरपाने की कोशिश कर रहा है, और जैसे जैसे वो डरपाने की कोशिश कर रहा है वैसे वैसे हमारा कार्यकर्ता और जोश और जुनून में आता है। जनता मन बना चुकी है ममता दीदी, अब आपकी सरकार रहने वाली नहीं है। ये आज का हमला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का आपके ताबूत में आखिरी कील है। भाजपा के एक एक कार्यकर्ता के जमीर को ललकारा है आपने, वो जमीर का जवाब इस विधानसभा के चुनाव में आपको देने वाली है जनता भी और भाजपा भी। हमले को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं पर फेंके गए पत्थर टीएमसी के ताबूत में अंतिम कील साबित होंगे।
उन्होंने कहा, पत्थर जेपी नड्डा पर नहीं लोकतंत्र पर फेंका गया है, यह लोकतंत्र की हत्या का प्रयास है। गुंडों ने भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी पर हमला किया है और पुलिस खड़ी देखती रही। बंगाल की जनता इस चोट का बदला वोट से देगी। भोपाल में जेपी नड्डा के हमले के विरोध में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का पुतला फूंका गया, उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने इसे निंदनीय और कायराना हरकत बताया है। उन्होंने कहा, इन हमलों से भाजपा के लोग डरने वाले नहीं है। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी ने आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी की कार पर हमला करवाया है, पत्थर फेंकवाए, ये कायराना हमला है। पत्थर नड्डा जी के ऊपर नहीं फेंका गया है, पत्थर लोकतंत्र पर फेंका गया है। ये लोकतंत्र की हत्या का प्रयास है जिसे पश्चिम बंगाल की जनता सहन नहीं करेगी। ममता दीदी, नड्डा जी की गाड़ी पर फेंका गया पत्थर बंगाल में टीएमसी के कफन में अंतिम कील साबित होगा। न बंगाल ये हमला बर्दाश्त करेगा, न देश यह हमला बर्दाश्त करेगा। डरी हुई ममता बनर्जी पराजय के भय से आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की गाड़ियों पर पत्थर फेंकवा रही है। इससे भारतीय जनता पार्टी डरने नहीं वाली। सिंहासन खाली करो कि भाजपा आती है। इस हमले का जवाब पश्चिम बंगाल की जनता भाजपा को वोट देके देगी। भगवान की कृपा से नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ती रहेगी। भारत एक लोकतांत्रिक परंपरा में जीने वाला देश है, गांधी की अहिंसा में भरोसा करता है। निर्वाचित जनप्रतिनिधि या निर्वाचन के लिए हम लोक मत का संग्रह करने अवश्य जाते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, अपनी उपलब्धियां और अपने किए गए कार्य या भविष्य में करने वाले कार्य की योजना बताते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि पश्चिम बंगाल में ऐसा लग रहा है कि जैसे वो उस प्रांत में आतंकवाद की राजनीति हो रही हो। क्या लोकतांत्रिक निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का इस तरह पत्थर बरसा कर किसी सरकार की ये जवाबदारी बनती है कि वहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब पर हमला, वहां के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय जी संगठन जो महामंत्री हैं भारतीय जनता पर, उन पर हमला। अगर इस तरह के हमले करके पत्थर बरसाकर किसी को डराकर और धमकाकर अगर रोका जाएगा तो ये लोकतांत्रिक मर्यादा का अमूल्यन होगा। इसलिए ममता बनर्जी, मेरे हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है कि हम और आप लोकतंत्र में जी रहे हैं, संवैधानिक परंपराओं का निर्वाह कर रहे हैं, आने वाले अतिथि का स्वागत नहीं कर सको तो कम से कम सुरक्षा तो दो। उसके प्राण लेने का काम सरकारों का नहीं है, बल्कि सुरक्षा देने का काम सरकारों का है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।